होंडा कंपनी के दो दोपहिया चोरी करके अपने घर छिपा कर रखने वाले चोरों को पकड़ने में स्थानीय अपराध शाखा और साकोली पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने दोनों चोरों को हिरासत में लेकर उनके पास से दो होंडा कंपनी के दोपहिया कुल 80,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साकोली तहसील के सालेबर्डी से गुरुवार 9 मई को एवं कुमली से रविवार 12 मई 2024 को रात के दौरान हीरो होंडा दोपहिया क्रमांक MH31R2023MH31DA7217 चोरी हुए थे। चोरी हुए इन दोनों दोपहिया की तलाश पुलिस कर रही थी। दिघोरी पुलिस थाने की सीमा में गश्त के दौरान संदिग्ध तरीके से रहने वाले आरोपी दिघोरी निवासी सुमित अरुण वासनिक उम्र 25 वर्ष को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके पश्चात हाथाई जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी दिघोरी निवासी अतुल भास्कर जांबुलकर उम्र 24 वर्ष को पकड़ा। उसके घर से हीरो होंडा दोपहिया क्रमांक MH31R2023MH31DA7217 दोनों दोपहिया संदिग्ध तरीके से नंबर प्लेट बदल कर रखे हुए पाए गए। अधिक जांच करने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कुल 80,000 की दोपहिया जब्त की। आरोपियों पर पुलिस ने धारा 379 के तहत अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर काकड़े के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार चिंचोलकर, हेड कांस्टेबल सतीश देशमुख, संदीप मते अपारे, पुलिस नायक शैलेश पेदुरकर, आशीष तिवारी, कौशिक कजबीये, अमित वडेट्टीवार ने की है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।